टुडेज हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मई के दिन घटित इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट्स के बारे में। सन 1749 में आज के दिन ही चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। यदि एडवर्ड जेनर नहीं होते तो आज संपूर्ण दुनिया के 1.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सिर्फ चेचक के द्वारा काल ग्रास के बन रहे होते, यानी कि उनका डेथ हो रहा होता। सन 1756 में आज के दिन ही 7 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ा जिसमें भारत भी शामिल था। इस युद्ध की समाप्ति 1763 में फ्रांस के हार के साथ हुई। सन 1918 में पद्म भूषण से सम्मानित भारत के स्टील मैन के रूप में प्रसिद्ध रूसी मोदी का जन्म आज के दिन ही हुआ था। 50 पैसे के दैनिक वेतन भोगी से 1993 में टाटा स्टील के अध्यक्ष नियुक्त किए गए रूसी मोदी ने जमशेदपुर को इस्पात नगरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1987 में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने आज के दिन ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। इन्हें 1980 में भारत सरकार द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और भारत में सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 17 मई आज के दिन ही विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता है। टुडेज हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।